सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक विद सुमित। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रेडमी 5A में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिखाया है और ये कोई वॉलपेपर वगैरह नहीं है, अगर आप बोलोगे कि वॉलपेपर है। तो गाइस, ये वीडियो शुरू से लेकर अंदर जरूर देखिए। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले तो मैं आपको थीम स्टोर में लेके चले जाऊँ, और थीम स्टोर में भी आप देख सकते हो, या फिर सेटिंग वगैरह में जाता हूँ तो ये देखिए गाइस, बैकग्राउंड में जो किया है फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो भी ट्रांसपेरेंट। तो ये मैंने कैसे लगाई है बिल्कुल ही बताऊंगा मैं आपको एक इसी वीडियो में। और फिलहाल हम बात करते हैं थीम स्टोर में, जो कि जो ये सेटिंग वगैरह है ये होगी थीम स्टोर में से। तो गाइज, आप देख सकते हो कि ये थीम स्टोर है, ये है यहाँ पे थीम्स, वॉलपेपर, रिंगटोन, फ़ॉन्ट्स वगैरह, ये जो है थोड़ा बहुत चेंजेस आ चुका है, और इसी के साथ जो कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी हैं इसमें। तो अगर आप यहाँ पे टॉप चार्ट पे जाओगे, टॉप चार्ट में से यहाँ पे गाइज ये देखिए, टॉप 100, टॉप नवंबर, दिसंबर, जो भी आएगा यहाँ पे सबको सारी थीम्स वगैरह आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी, जो कि फ़ोटोज़ वगैरह होगी उसकी उसकी कैटेगरी आएंगी, और इसी के साथ जो कि है यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह आ जाएंगे, फ़ॉन्ट्स वगैरह के पीछे आपको रिंगटोन्स वगैरह, और यहाँ पे है फ़ॉन्ट्स वगैरह। तो आप देख सकते हो कि पहले ये आइकन नीचे की तरफ आते थे और ये अब ऊपर की तरफ आने लगे हैं। और यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, तो सेटिंग्स में गाइज आपको ये देखिए कि यहाँ पे आपको बीटा फीचर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेटिंग्स में, सेटिंग्स के एंड में बीटा फीचर्स। तो गाइज, अगर आपके पास, अगर आपने अपडेट किया है तो गाइज अपडेट कर लीजिए, अगर आपने अपडेट नहीं किया है, अगर आपको अपडेट नहीं आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से मजे लीजिए, ठीक है। तो गाइज, इसको अगर आप यहाँ देखिए गाइज, अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो ये पीछे फ़ोटो हट गई, अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ऑन कर दिया मैंने, मेरी फ़ोटो आ गई। तो यहाँ से आप जो किए बिल्कुल ही जो किया बैकग्राउंड लगा सकते हो, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड लगा सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं। ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे जो किया है आप यहाँ पे कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं गया यहाँ वॉलपेपर में लगाता हूँ गाइज, अगर मैं ये वाली फ़ोटो लगाऊंगा ट्रांसपेरेंट में, तो गाइज ये देखिए गाइज, ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर बीटा सेट लॉक स्क्रीन सेट एज होम स्क्रीन सेट बोथ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइज अप्लाइड सक्सेसफुल हो चुका है, ये देखिए गाइज अप्लाइड हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है ना। आपको जैसा पसंद है, जैसा वॉलपेपर पसंद है आप वैसे लगा सकते हो। बस आपने क्या करना है, थीम्स में जाना है, थीम्स में जाने के बाद आपने नीचे यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग में बीटा फीचर होगा, वहाँ पे जाके अपने ट्रांसपेरेंट पेरेंट वॉलपेपर को एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद जो किया है बिल्कुल मजे हो गए गाइज आपके, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, ठीक है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही है, मैंने सिर्फ ये बताना था कि आपको एक नया फीचर मिला है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। अगर आप गाइज चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टाटा एंड गुड बाय।